नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला है, तहसील के सेतु प्रशासन को लेकर मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं। तो आज का मेरा वीडियो सेतु के कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर ही है। इस वीडियो में खुलासे कई हैं और साथ ही साथ संदेह भी कई हैं। आपको मैं ये सबसे पहले आपको दो दाखले में दिखाना चाहूंगा। आप कैमरे पे देख सकते हैं ये दाखले। एक दाखला है खानीवाड़े गांव के पुलिस पाटिल उनका, और दूसरा दाखला है खानीवाड़े गांव के सरपंच का। इन दोनों ही दाखले के ऊपर कोई डेट नहीं है और ना ही किसी तरह का जवाब क्रमांक है। अब आपको मैंने दाखला दिखाया, मेरे पास और भी पेपर है, आप पेपर देख सकते हैं, मेरे इस टेबल के ऊपर पड़े हैं। तो ये दाखले क्या है ये आपको मैं बताऊं। तो दरअसल एक व्यक्ति है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो व्यक्ति मोहनदास पांडुरंग पाटिल। यह व्यक्ति है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये व्यक्ति सेतु जो है, तहसील का सेतु, इसका कॉन्ट्रैक्टर है। और इस मोहनदास पांडुरंग पाटिल ने वसई के तहसील, जो कि सिविल मामलों की एक मजिस्ट्रेट भी कही जा सकती है, अदालत भी कही जा सकती है, उसमें एक दावा दाखिल किया था। वो दावा था, वो गया पूर्व नायब तहसीलदार, जो भी एसीबी की रेड में गए, वो नहीं, प्रदीप मुकणे नहीं, दूसरे जो नायब तहसीलदार थे, निवासी नायब तहसीलदार उमाजी हेलकर, उनकी अदालत में इसका मामला ये था। अब उस अदालत ने एक 26 घंटा जमीन खानीवाड़े में, 26 घंटा जमीन खानीवाड़े में, वहां पर इस मोहनदास पांडुरंग पाटिल का ऐसा दावा है कि 25 साल से ये व्यक्ति उधर खेती कर रहा है, और मुंबई कुल वहीवाट कायदा 1948 की कलम 70B के हिसाब से उसको जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। ये जमीन इसमें राजीव कुमार सिंह निवासी नवाले की बताई गई है, असली मालिक वो है। और इनका ऐसा कहना है कि असली मालिक जो है पिछले कई सालों से ना ही किसी तरह का पावती दे रहा है, ना ही किसी तरह का उसका जमीन पे हक उसने जाहिर किया है, इसलिए करके ये जमीन मैं खेती कर रहा हूं, मेरे हक में आनी चाहिए, ये कुल वहीवाट कायदा बोलता है। उसने ऐसा दावा दाखिल किया, और उस दावे पर मैंने जो आपको ये दिखाया अभी दाखले, जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया करके लास्ट में वो 26 घंटा जमीन मोहनदास पांडुरंग पाटिल के नाम पर कर दी गई। मोहनदास पांडुरंग पाटिल का नाम 712 में, जमीन के 712 में शामिल कर दिया गया। किसी भी जमीन के बेचे जाने में, खरीद में 712 सबसे अहम एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, और 712 पर जिसका नाम हो उसको जमीन का मालिक माना जाता है, ऐसा कायदा है। हालांकि उसमें भी बहुत सी चीजें है, आकार बंद फोर्ड, बहुत सी चीजें है, मेजरमेंट, मैं उस पर अभी टेक्निकल विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं विषय पर यह जाता हूं कि जब इन्होंने दावा दाखिल किया, और ये इनका कहना है कि मैं 25 साल से वहां पर खेती कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि जो व्यक्ति वसई में रहता है वो खेती करने खानीवाड़े कब जाता होगा, ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर खेती करता भी है समझो ये व्यक्ति, तो सेतु में पिछले कुछ सालों से सेतु का जो भी कारभार है, सेतु कार्यालय का जो भी सेतु सेवा केंद्र है, उसका ठेका इसको मिला हुआ है। इसने अपने प्रतिज्ञा पत्र में सीधा सीधा ऐसा लिखा है कि मैं उस खेती से जो आय उत्पन्न होती है उस पर घर का गुजारा चलाता हूं। अगर खेती की आय से करते हैं तो इस सेतु की आय कहां जाती है, यह सवाल है। अब मैं आता हूं अपने उसी मुद्दे पर कि जो मैंने अभी आपको दाखले दिखाए। दरअसल इस मामले की जब मेरे को जानकारी लगी कि इस तरह से एक जमीन का व्यवहार
हुआ है उस पर नाम कुल कायदा चेंज हुआ है मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने पड़ताल करने की कोशिश की। और अब रही बात जो मैंने आपको बताई थी कि मोहनदास पांडुरंग पाटिल कौन है, ये तहसील का ठीक कॉन्ट्रेक्टर है सेतु का, और ऐसा कहा जाता है कि जो तहसील में कैंटीन है उसमें भी इसका कुछ हिस्सा है, इसी का कुछ कॉन्ट्रेक्ट है, कुछ तो उसमें भी इन्वॉल्वेशन है। तो ये बंदा वो है, और जब मुझे इस चीज का मालूम पड़ा तो अच्छा, इसमें से एक ये भी आपको बता दूं कि कुछ जमीन 26 घंटा में से कुछ जमीन को इसने बेच भी दिया है तीसरा आदमी को, जो व्यक्ति 25 साल से जमीन पे खेती कर रहा था उसने 2019-20 में अपने नाम हुई जमीन को 25-3-2021 में अपने नाम में हुई जमीन को दूसरे को भी बेच दिया है। तो खैर अगर उसकी जमीन और उसने बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जमीन है या नहीं है या उसका जो दावा है वो कहां तक सही है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए। मेरा मुद्दा आज का ये है। तो मैंने इसके पेपर निकालने की कोशिश की, पेपर निकाले, कुछ पेपर मेरे हाथ लगे, वही पेपर आप देख सकते हो, ये सब पेपर है उसमें कुछ हाथ लगे। तो इनका जो रोजनामचा होता है, रोजनामचे में प्रतिदिन उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को गैरहाजिर दिखाया गया है। रोजनामा में जितनी अपील हुई है, सुनवाई हुई है, हर बार सामने वाला व्यक्ति गैरहाजिर है। अब जो व्यक्ति सेतु से सेतु में है और तहसील में ही उसका केस चल रहा है तो समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। खैर अब रही बात इसमें तहसीलदार और शेष जमीन प्रकरण निकाल पत्र, निकाल पत्र निकला है ये इसमें उमाजी हेलकर जो है उनका आदेश है, उनका निकाल पत्र है, और उन्होंने इस चीज को फाइनलाइज किया, वेरीफाई किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि हाँ हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये जमीन मोहनदास पांडुरंग पाटिल 25 साल से यहां पर खेती कर रहे हैं और किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया है। इसके लिए ये जमीन आपको बता दू सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 अ खाने बड़े की, तो इसको इसके 7/12 पे हक इतर हक सदरी दाखिल करावे ऐसा शामिल कर दिया जाए। इन्होंने ऑर्डर निकाला अपने मातहत तलाठी और मंडल को। अब सरकारी काम में जो कोई काम होता है तो वहां पर जो कोई भी एक छोटे से छोटा दावा कोई करता है या बड़े से बड़े कोई केस हो तो उसमें लाइनअप होता है, ड्राफ्टिंग होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो डेट और सिग्नेचर। अब यहां मैंने आपको जो दो दाखले बताए, ये दोनों दाखले जो है उन्होंने नोड्यूज जो होता है अपन नोड्यूज बोल सकते हैं, इसमें खानीवाड़े की तत्कालीन सरपंच आशा आनंद पाटिल उन्होंने ये दाखला दिया। दाखले में सरपंच ग्राम पंचायत खानीवाड़े तालुका वसई जिला पालघर यहाँ पड़ोन दाखला देने तो की श्री मोहनदास पांडुरंग पाटिल निवासी वसई याना गेले अनेक वर्षापासून ओळखत असून गाव मोजे खानीवाड़े तालुका वसई जिला पालघर येथे जमीन मिलकत सर्वे नंबर 82 हिस्सा नंबर 2 अ क्षेत्रफल 26.50 हेक्टर आर प्रकार रुपये 4.31 रुपये हा जमीन मिलकतीचा 7/12 नसले तरीही मागील 25 वर्षापासून सदर जमीन मिलकती श्री मोहनदास पांडुरंग पाटिल है भात शेती उच्च उत्पन्न घेऊन आपला व आपला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत असा दाखला दिला असे। मतलब इन्होंने ये कहा है कि भले ही इनका 7/12 पे नाम नहीं है लेकिन 25 साल से ये यहाँ पर खेती कर रहे हैं और उस पे जो उत्पन्न आ रही है उससे इनका घर चला है, ऐसा ही दाखला पुलिस पाटिल समीक्षा सुरेश जाधव ने दिया है। उन्होंने भी गांव मजे खाने वाले तालुका वसई जिला पालघर रहते जमीनी सर नंबर 82 हिस्सा नंबर ये हाथ से लिखा हुआ है और पहले वाला कंप्यूटराइज प्रिंटेड है। इस दोनों दाखले के ऊपर तारीख नहीं है और न ही चावक क्रमांक है, तो मुझे ये थोड़ा संदेहजनक लगा। तो मैंने क्योंकि पुलिस पाटिल खानीवाड़े समीक्षा सुरेश जाधव जो है इनका मोबाइल नंबर इस लेटर हेड के ऊपर था तो मैंने इनको फोन किया और फोन करने के बाद में इनको बोला आपने ऐसा ऐसा दाखिला दिया था उस पर जवाब, इन्होंने बोले कि मैं जवाब क्रमांक तो नहीं डालती हूँ लेकिन मैं डेट डालती हूँ। इन्होंने ऐसा बोला कि डेट तो मैं डालती हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। तो मैंने उनको इनके नंबर के आधार पर व्हाट्सएप पे इनको भेजा। इन्होंने बाद में
ये पूरी पूरा घटनाक्रम अभी हाल ही में जारी हुआ, मैंने इनको व्हाट्सएप पे भेजा और व्हाट्सएप पे इन्होंने वो चेक किया। बाद में मुझे इन्होंने एक बार बोला कि हाँ उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, दूसरी बार बोलते नहीं मैंने दिया है, इन्होंने बार बार अपना जो है बयान पलट दिया और अंत में आज भी उसको सही ठहरा रहे कि नहीं ये दाखला मैंने लिया वो सही है और जो है वो सही है। खैर फिर मैंने वहां के सरपंच जो है उनका नंबर निकालने की कोशिश की खाने बड़े के, तो सरपंच के बेटे, सरपंच की महिला है, उनके बेटे कल्पेश पाटिल का नंबर मुझे मिला और कल्पेश पाटिल को मैंने फोन किया तो फोन पे भी उन्होंने भी बोला मुझे नहीं मालूम, मम्मी को पूछना पड़ेगा ऐसा है वैसा है, ठीक है पूछिए। उसके बाद में उन्होंने भी बोला मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, उन्होंने व्हाट्सएप पे ये भेजा, व्हाट्सएप पे सेंड किया, व्हाट्सएप पे जाने के बाद में एक बार उन्होंने सीधे से बोल दिया नहीं हमने दाखिला नहीं लिया है, लेकिन फिर थोड़ी देर में कुछ सोच के बोलता है मम्मी को पूछना पड़ेगा। बाद में फिर थोड़ी बाद में फोन आया तो बोलते नहीं मम्मी बोलती है उन्होंने दाखिला दिया है। फिर मैंने फोन करके उनको सवाल किया आपने दाखिला दिया है तो जवाब क्रमांक नहीं है, तो उन्होंने बात तत्कालीन जो सचिव है ग्राम सचिव जो अभी खानेवाड़े से उनका बदली हो गया पालघर में उनके ऊपर डाल दिया और बोले वो सचिव हमारे पास लेके आए थे तो आप सचिव को पूछो। ये सब रिकॉर्डिंग मेरे पास में है जो मेरी बातचीत हुई, मैं कुछ अपने मन से नहीं बोल रहा हूं और न ही मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मोहनदास पांडुरंग पाटिल का यह जो दावा है वो गलत है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ संदेह मेरे को जरूर दिखाई दे रहा है और वो संदेह डाउट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से शासन को पत्र लिखा है, मेल भेजा है मैंने, मेल में सभी मैंने मेल शासन को लिखा है, उसमें मैंने सभी को यही चीज लिखा है कि इसमें संदेह कुछ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मैंने दो जनों से अलग अलग वेरीफाई किया और दोनों जनों ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, तो इसके लिए इसमें संदेहजनक दिख रहा है। मैंने ये मेल फॉरवर्ड किया हूं शासन को और इस मेल पर मेरी ये मांग है शासन से कि वो जांच करे, साथ ही साथ ये मामला क्यों उठा, तो ये मामला इसलिए उठा कि अभी हाल ही में आपको मालूम है प्रदीप दामोदर मोकणे जो एसीबी के जाल में है, कल एसीबी ने उनको 9 तारीख तक की कस्टडी दी, कल उनको कोर्ट में पेश किया तब कोर्ट ने 2 दिन की पीसी और बढ़ाकर 11 तारीख आने वाली कल तक उनको पीसी में रखा हुआ है। अब कल उनकी आगे की जो भी है कोर्ट में जमानत अर्जी पे सुनवाई है जो भी है वो प्रोसीजर आगे कल होना है, तो वहीं एक मामला ये तहसील से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही आदेश पारित किए गए, ऐसे मेरे को बहुत लोगों ने अलग 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 जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत से लोग मेरे संपर्क में है वो मेरे को बता रहे हैं कि इन्होंने नियम के विरुद्ध हमारे खिलाफ आदेश दिया है या सामने वाले से दिया है। एक कागज एक पेपर तो मैं आपके सामने ये लेके बैठा हूं, इसमें भी जो प्रार्थी है उनका यही जो परिवार है उनका यही आरोप है कि सालों की हमारी जमीन को इन्होंने रातों रात इन्होंने दूसरे के नाम कर दी और हमारा सालों से हम रह रहे थे उन मकान को तोड़वा दिया पुलिस का सहयोग लेकर, पुलिस भी इनके काम में शामिल थी, पुलिस का सहयोग लेकर हमारे खिलाफ वाले व्यक्ति के पक्ष में फैसला दे दिया, विवादित जमीन होने के बावजूद इन्होंने वो तोड़वा दिया। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं जो लोग है और उन्होंने अपना ये पूरा पेपर कम से कम कई ज्यादा इसमें पेजे थे तो उन्होंने मुझे ये दिया है। यह मामला गिरीश का है, तो ऐसे कई मामले हैं। कल्पना सामंत का मैंने आपको जिक्र किया था उस दिन, उन्होंने ट्वीट तक किया है एक साथ में। उसके अलावा कुछ लोग और मेरे से कांटेक्ट में आए, एक महिला मेरे कांटेक्ट में आई जिनका विरार का ही ऐसा जमीन का मामला है जिसको इन्होंने जानबूझ के अटकाया हुआ है, और भी मेरे लोग संपर्क में है, कई लोग मेरे संपर्क में है जिनके इसी तरह के कुछ कांड इन्होंने किए हुए हैं। इसके लिए जाहिर होता है कि ये इनकी मॉडस ऑपरेटिंग है और इस तरह से काम ये लोग करते हैं। ये प्रदीप दामोदर मोकणे है, करीब 20 से 25 साल से वसई में है और इन सबका मास्टरमाइंड वो है, लेकिन दूसरा स्टाफ भी है वो भी पीछे नहीं है और वो स्टाफ भी ये सब करने में उनका भागीदार है, सहयोगी है। उमा जी हेलकर जिनकी बात की जा रही है,
अच्छा चलो अगर मान भी लिया जाए, ये भी मान लिया जाए कि ये जो दाखले है वो सही दिए गए, तब भी बिना जावक क्रमांक के और बिना डेट के दाखलों के आधार पर उमाजी हेल्कर ने आदेश कैसे पारित किया? क्या वो एक सेकंड क्लास ऑफिसर सेकंड क्लास ऑफिसर है और मजिस्ट्रेट डिप्यूटी मजिस्ट्रेट है, वो इस तरह की गलती करेंगे तो चलता है? ये गलती नहीं है। जब दाखले में तारीख ही नहीं है, जावक क्रमांक ही नहीं है। आज ये रिकॉर्ड जाके चेक किया जाए खानीवाड़े की पंचायत समिति पंचायत में, तो क्या रिकॉर्ड है? और नहीं होगा तो शायद बना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे फोन करने के बाद में घटनाक्रम बदले हैं और इन लोगों ने, इन दोनों ही पार्टियों ने अपने बयान बदले हैं, सब रिकॉर्डिंग मेरे पास में। आप चाहो तो मैं भी आपको एक बयान सुनाना चाहूंगा। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ हाँ बोलिए। आप फिर फोन करने वाले थे, फोन किया नहीं आपने, कि क्या वो उस वक्त जो दाखले नहीं चाहिए? मैं उसके घर पे गई, वो बोली कि वो व्यवहार कभी हुआ है, और वो डेट है ना, वो क्या बोली थी, उसके पास वो डॉक्यूमेंट थे ना, वो बोली मैं उसके हिसाब से ये डेट में डालूंगी, तो मैं बोले ध्यान से डालो, बोली नहीं तो भूल जाएगी, ऐसा है। बाद में डेट डालना होता है क्या किसी दाखले के ऊपर? वो कानूनी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा तो नहीं है, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट, वो एक लेटर लेके आई थी, मतलब उसको जो थी ना वही लेके आई, बाकी का वो घर पे रख के आई थी, ऐसा हुआ तो मैं वही देख रहा। लेकिन आपने दाखला दिया, हाँ। आप उस प्रत्यक्ष आदमी को नहीं जानते हो तो आपने दाखला कैसे दिया? नहीं जानती, नहीं वो हमारी गाँव वाली है ना, वो उसको जानती है, वो जिंदा है वो आदमी। इसके पहले का इनका एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर, एक मैंने अभी सब पूछा, आपने वो नाम बताया ना सर, हाँ उसके हिसाब से मैंने बराबर आंदा निकाला, उसको घर पे बुलाया और उसको बोला बराबर, आप बोले वो घोटाला ही है, करोड़ों की है ना बोले आप, वो दोनों को, हाँ दोनों ने काम करने के लिए लिया था, उसका दोनों का नाम मुझे मिला, और जो मेरे पास आई थी ना वो एक लेडीज, अभी मैं उसके घर पे जाऊँगी, लेडीज के घर पे। हेलो हेलो, हाँ भाई ये कागज दिया है, माँ ने साइन किया था, कागज दिखाया ना मैं मामा को, हाँ हाँ साइन किया है। अच्छा साइन किया ना माँ, हाँ। उनको पहचानते हैं? हाँ वो सही कहा, माँ को मैं पूछा कवस्ते वाला है वो, पहचानते हैं। हाँ कल्पेश भाई, मुझे एक बात ये जानना था कि आपने बोला अभी, आपने इकरार किया कि आपने दाखला दिया था, ठीक है, तो जो मेरा सवाल है वो सिर्फ सवाल है कि आप इसमें बिना जावक नंबर और बिना डेट का दाखला किसी को दिया जाता है क्या? कौन सा? बगैर जावक नंबर और बगैर तो डाला नहीं होगा, जावक आवक क्रमांक थोड़ा देखो ना, आप ये करके मांगते हैं तो क्या ये करके देखा जाए? ऐसा जावक जो वो देवरी साहब से पूछो ना क्या है क्या नहीं, उसने ये लिखा था, हमारे माँ को साइन करने के लिए बोला तो साइन कर दिया। नहीं नहीं दिख रहा है ना वो, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जावक आवक क्रमांक डाला नहीं है, लेकिन उसमें जावक क्रमांक नहीं है, तारीख नहीं है। दोस्तों आपको मैंने रिकॉर्डिंग सुना है, ये रिकॉर्डिंग कहीं है मेरे पास में, और मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस माननीय दाते साहब को ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी भेजे हुए हैं, और मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप इंक्वायरी करो, साथ में मैंने मेल आपको दिखाया हूँ, शो किया हूँ कि मेल भी मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से लेकर मुख्यमंत्री महोदय, महसूल मंत्री महोदय सभी को भेजा हुआ है, वहां से रिवर्ट भी उनका आया है। तो मेरी ये मांग है कि इस पर जांच होनी चाहिए, एसीबी को भी इस मामले को भी प्रायोरिटी पर लेकर इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में कुछ न कुछ संदेहजनक जरूर दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि मेरा मकसद है तहसील में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना, और यह मामले में जांच होनी आवश्यक है। प्रशासन चाहे कलेक्टर साहब हो, उनसे नियुक्ति निवेदन है कि आप जांच कीजिए अपने स्तर पर, नहीं तो सीबीआई और सीआईडी जांच की मांग मैं करना चाहूंगा, क्योंकि तहसील के जो कारोबार है उसमें सीबीआई सीआईडी या ईडी वही यहां तक पहुंच पाएंगे, इतना बड़ा यहां का पूरा गोलमाल है, यहां पर कई लोगों की ऐसी शिकायत है कि उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किए जाते हैं बिना उनकी सुने। मेरे संपर्क में कई लोग हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं और ऐसे खुलासे मैं करते आ रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा, ठीक है? अभी के लिए आपसे यहीं पर निपटा लेता हूं।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।